सो गाइज आज जो है हम सनराइज होटल में स्टे करने वाले हैं रात में। अभी बस तैयारी कर रहे हैं निकलने का, तो सार्थक भी आज रात में स्टे करेगा मेरे साथ सनराइज में। तो अभी उसको फोन किए हैं, रेडी रेडी वेडी होने बोले हैं उसको, अभी रेडी वेडी हो रहा है। और हाँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। सो गाइज फाइनली हम खड़े हैं होटल सनराइज में। हाय, हेलो, से हेलो टू व्यूअर्स। हेलो बोलिए। हेलो। तो सार्थक अभी बात कर रहा है होटल सनराइज। तो अपना चाबी मिल गया है गाइज। और रूम नंबर क्या है हम लोग का? 108 रूम नंबर है 108। और आपका नाम क्या हुआ? उमा शंकर कुमार। उमा शंकर, तो हमारे साथ अभी यहाँ पे रिसेप्शन में उमा शंकर जी हैं। तो आप यहाँ पे आइएगा, तो इनसे कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप बिंदास ले सकते हैं, है कि नहीं? या हमारे सब्सक्राइबर को पूरा हेल्प मिलेगा नहीं? या, यस सर। सार्थक बैठा हुआ है, फ़ोन चला रहा है। एक्चुअली बैठे बैठे हम लोग का आदत हो गया आजकल, फ़ोन निकालो, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, ये चलता ही रहता है। क्या हैबिचुअल है। रात के बज रहे हैं 11 और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ नए गेस्ट भी आ गए हैं हमारे साथ साथ। मीन्स हम जिस समय एंट्री किए उसी समय वो लोग भी एंट्री किए। उनसे बात के तो पता चला कि वो झारखंड से आए हुए। और एक बात, हाँ, आप सार्थक को मेरे हर ब्लॉग में भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि जब तक ये बिहार शरीफ में है, जब तक ये बिहार शरीफ मेरे ब्लॉग में तब तक आता रहेगा गाइस, जरूर है। बाकी तो आप मुझे देखते ही हो, बाकी तो हम फॉरएवर हैं। हर जगह ऐसा होगा, कुछ स्पेशल ही आने वाला है, कुछ एकदम आएगा। तो आप लोग से विनती है कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल। और ये तो हमारा और है। दोस्तों को भी बता यार, एक ये तो पता है हमें वीडियो देखना है, 5 मिनट की वीडियो बन जाती है, 10 मिनट भी कहते हैं कि बन जाता है यार आ गया, बट उसके पीछे इतनी मेहनत है ना, शायद मैं इतनी मेहनत है ये हम बताते हैं यहाँ पर का जो है ना बैकग्राउंड चेंज करके, क्योंकि काफी ज्यादा चीज बोल दी है सेम बैकग्राउंड में, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए। नहीं यार, बिल्कुल सही बात है, जो अपन लोग वीडियो अगर प्लेटफॉर्म पे आती है तो लगता है कि 5 मिनट की वीडियो है यार, क्या देखें या क्या नहीं, ठीक है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत, आधा अधूरा मत बोलो, बहुत ज्यादा मेहनत है यार। हाँ, ये चीज तो है, इसीलिए बोलते हैं शेयर कर दो भाई। बिहार शरीफ वाले देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये बनता है यार अपना, एक खासकर एक शायद एक ब्रॉ पर ब्लॉग्स करके एक जो बंदा है काफी एक खुद में एक यूनिक है कि एक कह सकते हो कि सब लोग। बिहार से मुझे पहला ऐसा बंदा मिला जो ब्लॉगिंग कर रहा है, सो गुड फॉर यार कि मतलब एक अपना बिहार से भी बहुत आगे जा रहा है। अरे बिहार को बहुत आगे लेके जाना है यार, और अभी हमारा, क्या बहुत आगे लेके जाना है, फर्ज बनता है कि हम आए हैं तो हम भी अपने बिहार को बहुत 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 बिहार शिप को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत ज्यादा आगे। और अब बिना देर किए हुए यार चलो रूम में चलते हैं, अब देखते हैं, चलो आपको भी रूम दिखाते हैं कि कौन सा रूम हमको मिले। ओहो क्या जबरदस्त है यार, ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है गाइस। होटल जो है काफ़ी मस्त है, यहाँ 105, 106, 107 और आखिरी वाला रूम जो है हमारा है। सो गाइस फाइनली ये हमारा रूम है, 108 नंबर रूम। ये आप देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है यार। एक मिनट हम फ्रेम सेटते हैं और आपको ऐसे दिखाते हैं। फिलहाल देखो वो जो है पीछे वो फ्री हो गया, जूता वगैरह खोल के रेस्ट कर रहा है, फ़ोन वोन चला रहा है। बाकी हमको तो अभी बहुत काम है गाइस, बहुत शूट करना है, ऊपर जाना है, बैंकेट हॉल दिखाना है, पूरा होटल दिखाना है, किचन दिखाना है। और फिलहाल तो यहाँ पे ये जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है। सार्थक तुम भी हो ना यहाँ पे, जरा सा अपना अपन लोग जरा देखेंगे अपने आप को मिरर में कैसा लग रहा है, ठीक है? तो फाइनली हम तो अभी अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। और ये देखो, ये आपको दिखाते हैं, ये देखो गाइस, ओह
एक नंबर यार, देख रहे हो लाइट बड़ा प्यारा है। हाँ ये जो लाइट है ना गाइस, ये बड़ा प्यारा लाइट है। तो ये देखो आ गया। व्हाट, बहुत अच्छा। आज जो है ना गाइस बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो गाइस ऐसा है कि अगर आप लोग बिहार शरीफ आते हो, नहीं तो फिर अगर बिहार शरीफ के आसपास आते हो, जैसे कि राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, स्पेशली ये होटल हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे बिंदास स्टे करो। और ये होटल है जो रात में 11 बजे तक इसका रिसेप्शन जो है खुला रहता है। हालांकि ठंड आ गई है, फिर भी हम लोग ऐसे ही अभी चालू करवाए क्योंकि थोड़ा सा माहौल है गर्म, सफोकेशन हो रहा है। हाँ सफोकेशन हो रहा है, थोड़ा माहौल गर्म है, इसीलिए एसी जरूरी है और बाकी सब बढ़िया है। बाकी वहाँ पे हमारा टीवी जो है चालू है, देखो। तो अभी हम लोग कार्टून नेटवर्क देखेंगे, पोगो। पोगो इज़ माय फेवरेट। अच्छा कौन कौन है जो कि अभी तक पोगो देखता है यार, कमेंट करो। गाइस ऐसा है कि हम लोग को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ क्या होता है, खाना से भी ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ क्या होता है कि मोबाइल का चार्जर पॉइंट। तो यहाँ पे चार्जर पॉइंट जो है आपको जस्ट आप यहाँ पे देखो सोएंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा चार्जर पॉइंट। और एक चीज़ आपको और दिखाते हैं गाइस, ये जो है ये हम हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ, ये यहाँ मिलता नहीं है, ये हम हमेशा कैरी करते हैं क्योंकि अगर कहीं पे एक पॉइंट हो तो इससे आराम से हमको चार पॉइंट मिल जाए। और देखो अभी वही चीज़ हो रहा है, इससे सार्थक अपना फ़ोन भी चार्ज कर रहा है, मेरा कैमरा भी इसी से चार्ज होगा और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। इस होटल में जो भी रूम है गाइस, वो सारा रूम जस्ट लाइक ऐसा ही है जैसा कि हाँ आप देख रहे हो, सारा रूम ऐसा ही, बाथरूम भी प्रॉपर साफ ही है। रूम में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाला चीज़ है ना गाइस, पहला तो ये लगा और दूसरा जो है ये बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा का मतलब बहुत प्यारा। सो गाइस इतने सारे व्लॉग में आपने सार्थक को देखा, लेकिन इस वाले व्लॉग में हम इसका इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो आपसे विनती है कि जाके इसको फॉलो करो। तो आप कुछ भी क्वेरी वगैरह जो भी पूछना है सार्थक से, जो भी चीज़ पूछना है एक आप बिंदास जाके इसके इंस्टाग्राम पे पूछो। और हाँ इसका इंस्टाग्राम जो पेज है ना, लाइक हो जाना चाहिए। करोगे ना? करेंगे यार, हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस इतना इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है बिहार शरीफ का पहला बंदा है जो कि MTV पे, नेशनल TV पे गया है और बहुत आगे जाएगा यार, बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सो मच। तुम अपने हो। अरे यार बस तुम अपने नहीं, तुम अपनों में अपने हो, है कि नहीं? है कि नहीं गाइस? सो गाइस फाइनली जो है हम कपड़ा चेंज कर लिए हैं और अब जाएंगे ऊपर बैंकेट हॉल। तुम हमेशा ये हमेशा ना सस्ते सस्ते रहता है, तुम सस्ते सस्ते रहो, तुम बाल वाल जो है ना भाई, पता है बाल से कितना। अच्छा अच्छा एक बात गाइस, इसका जो बाल है, आप इसके बाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताएं। क्योंकि देखो बाल ये कहता है कि यार पता है जितना मैं केयर करता हूँ ना अपने बालों को, उतना लड़कियाँ भी नहीं करती है। तो स्पेशली लड़कियों से भाई, स्पेशली जितने हमारे लड़कियाँ सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करें कि या क्या ये सही बोल रहा है। अच्छा हम इसका बाल आपको दिखाते हैं। ये सच बात है भाई, मैं बहुत केयर करता हूँ, नो डाउट। इसमें सिल्की बाल है क्या? सिल्की? अरे यार तुम केयर करते हो नहीं करते हो, ये देखो लड़कियाँ जो हैं वो अच्छे से जानती है, ठीक है, उनको प्रॉपर पता होता है। तो ये देखो थोड़ा सा नजदीक करते हैं, ठीक है, ये देखो भी रूम है और बैंकेट हॉल दोनों है। तो घड़ी में बज रहा है 12:30 और ओहो क्या बात है गाइस, क्या बात है। आप देखे एंट्री देखे कैसा है बैंकेट हॉल का, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है यार, खतरनाक है, समझ रहे हो, मस्त वाला है यार। और ओह यहाँ पे एंट्री है और जस्ट बगल में वॉशरूम वगैरह है, यहाँ पे देख सकते इसके अंदर क्या है, खोलो। हाँ खोलो, अरे एकदम खोलना है। क्या है? 1, 2, 3 टंटना। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा हाँ यहाँ पे शादी होता है, ये देख रहे हो यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे स्टेज है और इधर कुर्सियाँ बैठने के लिए लोगों को।
तो फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेज पे और देख सकते हो आप वो सामने जो शीशा है ना, बड़ा अल्टीमेट लग रहा है वो। देखो गाइस, वाओ बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। बाकी सब बढ़िया है, देख रहे हो आप हॉल तो एकदम मस्त लग रहा है। ये कैसे लग रहा है, क्या इरादा है? नेक्स्ट टाइम लगता है कि लेके आना पड़ेगा क्या? यहाँ तो प्रॉपर एसी, आपको 4-5 AC मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 150-200 आदमी के लिए जगह है। सो गाइस, मेरा मन तो नहीं था कि कैमरा हैंडल करूँ, बट रवि के साथ रहकर मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी हैंडल करूँ, तो प्यारा लगा। और एक्चुअली मैं जहाँ से यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको, मैं इंटर किया यहाँ, रियली आई एम, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स निकला कि वाह क्या मतलब, एक बैंकेट हॉल है, बहुत प्यारा लगा। और इसका इंटीरियर देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और इसीलिए मैं कैमरा हैंडल कर लिया। मैं वाला लॉ में हैंडल करता हूँ। इंटीरियर यहाँ देखो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस बैंकेट हॉल में ये लग रहा है मुझे कि गर्मी के दिनों में अगर आप आते हो यहाँ पे, तो करीब 150-200 लोग आएंगे इस हॉल में, तो अगर जो सफोकेशन होता है ना, रिलीफ करेगा। ये देख सकते हो बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। ये तो अलग ही स्वैग में बंदा, इसका देखते जाओ। और यहाँ पे बैंकेट हॉल में ही कैमरे भी लगे हुए हैं, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। तो कहीं क्या, बहुत हद तक बहुत प्यारा बैंकेट हॉल बनाया गया ये, है ना, एकदम बहुत प्यारा। यहाँ पे पूरा जो ये बिल्डिंग है गाइस, पूरा होटल जो है ये प्रॉपरली सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। वो सब देख के समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता होगा। ये एक बड़ा सा हॉल है, तो प्रॉपरली यहाँ पे खाना खिलाया जाता है गाइस, यहाँ पे बुफे सिस्टम लगाया जाता है, कैमरा सारा जगह लगा हुआ है। हाँ, पूरा सेफ, फुल्ली सेफ है, फुल्ली सेफ है होटल, ठीक है। नीचे पार्किंग में भी लगा हुआ था। और बाकी यहाँ पर आप जो स्पेस देख रहे हो गाइस, ये स्पेस बड़ा तगड़ा है। फाइनली आप देखो यहाँ पे किचन है, ये इस होटल का किचन है। आपको ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी चाहिए, डिनर वगैरह कुछ भी चाहिए गाइस, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है, कहीं बाहर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस होटल में रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बनने वाला है। वो जहाँ हम नीचे गाड़ी लगाए थे ना, बाइक जो पार्क किए थे, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। जब बनेगा तो उसका वो भी कोई ब्लॉग में हम ले ही लेंगे, यहाँ पे खाने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे किचन का व्यवस्था है, मेनली हमको यही दिखाना था। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे किचन है, तो हम ऑर्डर किए और अपना ऑर्डर अभी आता ही होगा। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। थैंक यू। तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है गाइज, और अभी हम लोग जो है सबसे पहले कैमरा रखेंगे और खाने पे टूट पड़ेंगे। सो गाइस, खाना वाना हो गया ख़त्म। सोच रहे हैं ये वाला व्लॉग अभी एडिट ही कर ले, नहीं तो फिर कल सुबह करेंगे। बाकी तो सब बढ़िया है, एसी बंद करने के बावजूद भी ठंडा लग रहा है, तो इससे पता चलता है कि ठंड बढ़ चुकी है। अरे उठो ना यार, ये सो गया, हमको लगा है देख रहा है इधर यार। अरे सो कैसे गए तुम, सोना नहीं है आज यार, गजब है सो रहा है, हम जगे हुए तुम सो कैसे गया। अरे उठो 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 उठो, सोते हैं आधा घंटा में सोएंगे, आ जाओ आ जाओ ना, कुछ गाना वाना गाते हैं, आ जाओ अभी अभी गाना वाना गाएंगे यार, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे यार। तो सोने नहीं देना है, बात तो यहाँ पर ये है ना, सोने नहीं देना है। उठो ना यार, चलो उठ जाओ उठ जाओ। अरे नहीं यार, अबे यार ठंड लग रहा है, तो हमको भी ठंड लग रहा है। वहाँ देखो हनी सिंह बना हुआ है, पता नहीं कौन है, टीवी पे कुछ चल रहा है गाइस, वही बता सो जा यार, सो तू। हम लोग आधा घंटे के बाद सोएंगे और मिलते हैं आपसे सुबह में, ठीक है। तो गाइस गुड नाइट। इसको नींद
बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5। हम लोग रात में लेट सोए पर जल्दी उठ गए। ए उठो ना, कैसे सो गए यार? फिर उठो उठो, नींद पूरी नहीं हुई यार। ब्लॉग कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर आराम से फाड़ के सोते हैं ना। वैसे आज क्लास भी है यार, क्लास भी अटेंड करना है। तो यहाँ से हम लोग ब्लॉग कंप्लीट करके निकलेंगे, यहाँ से जिम जाने का प्रोग्राम है हम लोग का। उसके बाद जिम के बाद फिर मेरा क्लास है, क्लास वगैरह है, उसके बाद फिर कुछ काम वगैरह, अपना पर्सनल काम वगैरह है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी नींद खुली है, रात को काफ़ी ज़्यादा लेट सोना पड़ा क्योंकि ये ब्लॉग ही करता रहा मुझे अपनी। वैसे आज रॉक ऑन भी जाने वाला है, मेरा भी बियर्ड सेट करवाना है, इसका भी बियर्ड सेट करना है। अच्छा कैसा हो गया बियर्ड? दिखाओ इधर, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर ये देखो तुम बड़ा हो गया। कूल बियर्ड इसको कहते हैं। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। हो थोड़ा सज धज लें यार, चलो बाहर। तो फाइनली गाइस हम लोग खड़े हैं होटल के बालकोनी में। कल से आप रूम का ही बस बैकग्राउंड देख रहे हो या फिर रिसेप्शन का बैकग्राउंड देख रहे हो, तो अभी बैकग्राउंड जो है चेंज हो गया, तो ये वाला लुक देखने को मिलता है। कुछ खास नहीं है। मैंने कि नोटिस किए हैं कि सनराइज होटल जो है, ये जो हमारा राजेंद्रपुर बस स्टैंड है वहाँ से लगभग 800 मीटर है ना, 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर आपको ये मिल जाएगा होटल राजेंद्रपुर बस स्टैंड से। और तो और रेलवे स्टेशन जो बिहार से रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग होगा 3 किलोमीटर अप्रॉक्स, 3 किलोमीटर होगा सनराइज होटल। इस होटल के बगल में प्रो फिटनेस है, ये होटल जो है HDFC के सामने है। मुझे लगा कि ये जानकारी आपको दे दे, हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। बाकी यहाँ से अब निकलना है तो चलो चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पीछे लिखा हुआ है चेकआउट टाइम जो है 11 AM लिखा हुआ है, इंडियन टाइम 11 बजे। रात में उमा शंकर थे और अभी आपका नाम क्या हुआ? और अभी रोशनी सिन्हा है। तो आपका सुबह में शिफ्ट रहता है क्या? 10 से 7 अच्छा ठीक है, तो सुबह में आपको ये मिलेंगे और रात में उमा शंकर जी मिलेंगे, जो कि काफ़ी हम लोग का मदद किए रात में और बहुत अच्छा लगा, बहुत माय डियर आदमी है। बाकी तो अभी चेकआउट करने के टाइम गाइज रोशनी जी से बात करना पड़ेगा और रोशनी जी भी आपको बताएंगे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस सर एंड सार्थक सर, आप लोग हमारे होटल सनराइज में स्टे किए, हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत कॉपरेट किया एंड आई होप कि आप लोगों को यहाँ की फैसिलिटीज सारी चीज आपको अच्छी लगी हो। अरे बहुत अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। मतलब रुक के जो अपना एक्सपीरियंस है ना, सही दिल से बता रहा हूँ गाइज, मजा आ गया। मतलब थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा एंड आई होप कि आप लोग नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा यहां स्टे करें। एकदम। तो चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, एक सेकंड जारी आ गया। सेरेमनी भी यही हो ऐसा कुछ नहीं है, यही होने वाला है रिंग सेरेमनी इसका यही होगा। अभी लड़की का पता ही नहीं, रिंग सेरेमनी के बाद गिर रहे तो बाकी सब बढ़िया है गाइस, अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। USA का ये वॉच है और ये है इंडिया और ये अपना दुबई का ये वॉच है। अच्छा, USA इंडिया, अपना इंडिया दुबई का टाइम जानते हैं। एक चीज पता है आपको, मेरे व्लॉग में ना एक नंबर बोलना बहुत जरूरी होता है। एक नंबर अच्छे से, एक नंबर अच्छे से, एक नंबर।